जी हमें मियाँ बीवी को और हमारे बच्चों को अच्छी लाइफ जीने दें, ठीक है ना। हम किसी का नाम नहीं लेते, तो हमारा नाम भी ना लिया करें, बस यही हमारी गुजारिश है। तो आप अपना काम करें और अपने काम पर ही फोकस रखें, तवज्जो दें। जब यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को कोई वर्ड्स बोलना नहीं आता कि हम ये वर्ड्स बोल रहे हैं, अपने मुंह से निकाल रहे हैं, तो इससे कंट्रोवर्सी फैलेगी या पॉइंट निकलेंगे इन बातों के, तो वो अल्फाज ही ना बोलो, ठीक है। आप अपना जस्ट जैसे व्लॉग बना रहे हो वो चीज़ें बनाओ। देखिए ना, सितारे ने कभी इनका नाम लिया है और ना मैंने कभी इनका नाम लिया है। ये दोनों जब भी देखो सितारा का नाम लेते हैं, मेरा नाम लेते हैं कि साजिद ने वीडियो बनवाई है, फलाना किया है। भाई हम लोग किसी के ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं बनवाते, जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी कुछ ऐसा करते हैं वो खुद अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं। और जब आप एक दूसरे को गाली गलौज करोगे तो साफ ज़ाहिर है वो आपको जूस तो नहीं पिलाएगा, वो भी आपको गाली देगा। तो इससे बेहतर है आप अपनी अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ और अपना अच्छा अच्छा काम करो, ताकि कोई आपके ऊपर उंगली ना उठाए। वो बीबी कह रही थी कि अट्रैक्ट हो गया, ये हो गया, तो अट्रैक्ट मट्रैक्ट के अल्फाज जो है ना वो अपने आप पास ही रखो। आपको ही अट्रैक्ट होना है जिसके ऊपर आप ही हो। सितारा का नाम मत ऐसे यूज़ किया करो, ठीक है ना। जब भी देखते हो आप लोग के व्यूज़ कम हो रहे हैं तो फिर दोबारा से सितारा का नाम यूज़ करना शुरू कर देते हो कि दोबारा से ये कंट्रोवर्सी जारी रहे। जब एक चीज़ ख़त्म हो गई तो उसको ख़त्म ही रहने दो, सितारा का नाम लेना छोड़ दें। सितारा जो है वो ना किसी की बहन है, ना वो किसी की खाला है, ठीक है ना। जब थी थी, अब वो कोई किसी के साथ उसका रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। और जब तक मैं हूँ और इन चीज़ों को मैं फॉलो करूँगा और ये रिश्ते मैं दूर ही रखूँगा, ठीक है ना। और जब मैं चला जाऊँगा अल्लाह के पास, तो फिर अगर सितारा रखना चाहे तो रखे। जब तक मैं हूँ ना बहन का रिश्ता रखने दूंगा और ना खाला का रिश्ता रखने दूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। ये अट्रैक्ट मट्रैक्ट के अल्फाज जो है ना अपने पास रखो, और जिसके ऊपर भी अट्रैक्ट होना है आप खुद भी हो, और आपका शौहर भी जिसके ऊपर अट्रैक्ट होना है वो खुद ही हो, ठीक है ना। सितारा का नाम यूज़ करना छोड़ दो और सितारा का दोबारा कंट्रोवर्सी में लाना बंद करो, ठीक है ना। जब हम लोग आप लोगों का किसी मौजू पे, किसी चीज़ पे आप लोगों का नाम नहीं लेते, तो आप लोग भी हमारा नाम लेना छोड़ दें, ठीक है। हम अपना व्लॉग बनाते हैं, कोई किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाते, और हम अपना काम कर रहे हैं शुरू से, और किसी को ये चीज़ ये नहीं कहते कि भाई आप इनके खिलाफ़ गलत वीडियो बनाओ या ऐसी चीज़ करो। तो हर कोई अपनी मर्ज़ी से बनाता है, तो आप लोग उन्हीं को जवाब दो, हमारा नाम यूज़ करना छोड़ दो, ठीक है ना। कोई भी वीडियो बनाए, कुछ करे, तो हमारा नाम बिल्कुल बीच में नहीं आना चाहिए। बाबर दिलबर जो हैं, उनकी फैमिलीज जो हैं, और चाचू अकबर जो हैं, वो शुरू से हमारी इज़्ज़त करते आ रहे हैं और हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो उनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो कायम रहेगा, बाकी किसी के साथ भी नहीं। और यहाँ पर रहते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, और अब अभी जो है बच्चों की याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो बस अभी जाने की करते हैं। बस अभी मैंने टिकट का कह दिया, तो जो मेरा ट्रैवल एजेंट है जो टिकट करता है, तो उसको मैंने कह दिया कि मैंने भाई कहा कि भाई एक दो दिन बाद जो है ना वो मेरी टिकट कर दें, तो वो जैसे ही मेरी टिकट होके करता है तो बस यहाँ से फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ रवाना हो जाऊँगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम फैमिली को खुश आबाद रखे। और आज एक नई सुबह का आगाज़ शुरू हो चुका है, और इंशाल्लाह आज जो भी डेली की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं आपको यहाँ से शारजा का व्यू दिखाता हूँ, ये देखो कितना प्यारा और ख़ूबसूरत। और इस वक्त मैं तकरीबन 45 फ्लोर पे खड़ा हूँ और काफ़ी ऊंचाई पे खड़ा हूँ। ये देखें हर हर बिल्डिंग के ऊपर एक एक हेलीपैड बना हुआ है, और व्यू देखें कितना प्यारा है। इस बिल्डिंग से जो है ना पूरा शारजा आप देख सकते हैं, ये देखें कितनी ऊँचाई पर मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से सी व्यू भी सामने नज़र आ रहा है, कितना प्यारा और ख़ूबसूरत व्यू है। और यहाँ से आपको गाड़ियाँ कैसी नज़र आ रही हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी, मैंने कैमरे को जूम करके दिखाया है, वो देखे सामने कितनी दूर से बोट नज़र आ रही हैं, काफ़ी दूर बोट हैं, और मैंने इन बोटों को ना करीब कर लिया है। अब मैंने कैमरे का जूम ख़त्म कर दिया है, ये देखें वो काफ़ी दूर चली हैं बोट, जब कैमरे को जूम करता तो फिर करीब आ जाती हैं, काफ़ी प्यारा व्यू है। तो आज दोबारा चलते हैं डे टू डे मार्केट, और कल भी मैं गया था तो थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई थी,
क्योंकि मेरा व्लॉग जो है काफ़ी बड़ा बन गया था, और आज दोबारा चलते हैं। आज बच्चों के शूज़ हो गए, बड़ों के शूज़ हो गए, ड्रेसेस हो गए, सॉक्स हो गए, जो भी हैं वो सारी चीज़ों के रेट आज के व्लॉग में मैं दिखाऊंगा। ये तो कल मैं नीचे सेक्शन में था और आज ऊपर सेक्शन में आ गया हूँ, और छोटे बच्चों के शूज़ देखें, 29 दिरहम का, कितना प्यारा शूज़ है, बहुत अच्छे अच्छे शूज़ हैं, 20 दिरहम और 20 दिरहम, 20-30 दिरहम के बीच इनकी प्राइस है, बहुत अच्छे शूज़ हैं। क्योंकि शूज़ का सेक्शन भी काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर अच्छे अच्छे शूज़ हैं, काफ़ी सॉफ्ट शूज़ हैं, उनकी प्राइस भी मुनासिब है। बड़ों के शूज़ हैं, लेडीज़ शूज़ 18 दिरहम के, और ये येलो शूज़ देखें, तैयबा के साइज़ के शूज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये देखें 29 दिरहम, 20 दिरहम, और ये बॉयज़ शूज़ हैं, और मुस्तफा के साइज़ के भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मेरे ख्याल में यहाँ पर नहीं है, ये मुस्तफा से छोटे हैं। चप्पल कैसे कलरफुल है, सॉफ्ट भी हैं, ये देखें 15 दिरहम का, काफ़ी अच्छे शूज़ हैं, जैसे लगता है जैसे बॉक्सिंग खेलने के लिए हो, हैं तो शूज़। और ये 20 दिरहम के स्कूल शूज़ हैं, मेरे ख्याल में सारे वाइट वाइट शूज़ हैं, तो ये स्कूल शूज़ ही होंगे, और ये भी ब्लैक शूज़ हैं, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, इनकी प्राइस क्या है, 39 दिरहम। और ये वाइट वाले शूज़ ये भी काफ़ी प्यारे हैं, और ये शूज़ जो हैं 6 दिरहम के हैं, ये देखें, ये भी काफ़ी सॉफ्ट हैं, लेडीज़ शूज़ हैं, और यहाँ पर भी 6 दिरहम की प्राइस है। और बच्चों के ड्रेस देखें कितना प्यारे हैं, ये देखें 7 दिरहम के, और ये भी 5 दिरहम, और ये फिराक कितना प्यारे हैं, खूबसूरत है, ये देखें 6 दिरहम का, काफ़ी प्यारे प्यारे सूट हैं, ये देखें इनकी प्राइस भी 6 दिरहम ही है। रेड वाली जैकेट देखें कितनी सॉफ्ट है, कितनी प्यारी सी खूबसूरत सी है, और ये भी सिर्फ 6 दिरहम की है, आयत के साइज की है बिल्कुल। अच्छा विंटर कलेक्शन जो है ना इतना ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत सस्ती है, और अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, अच्छी अच्छी जैकेट हैं, और ये स्पाइडरमैन ड्रेसेस, ये देखें ये भी इतना महंगे नहीं है, सस्ते हैं। कितना दिरहम है इसकी प्राइस, कहाँ गई। और बच्चों के कलरफुल शूज़ देखें, ये जो चप्पलें हैं पानी में पहनने के लिए 10 दिरहम की, अच्छी हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है। और इधर बॉयज़ सेक्शन, ये देख काफ़ी अच्छे सूट हैं, 35 दिरहम, ये थोड़ा महंगा है, और यहाँ पर सस्ते भी हैं महंगे भी हैं, इस सेक्शन में ज़्यादातर सस्ते हैं यहाँ पर। प्यारे प्यारे सूट हैं देखें, 20 दिरहम का नहीं, 2 पीस है, काफ़ी अच्छे सूट हैं। और बच्चों की कैप 10 दिरहम की, सारी 10 दिरहम के। सॉक्स देखें कितने दिरहम के, 10 दिरहम का, 1, 2, 3, 4, 5 पेयर, 5 पेयर सॉक्स सिर्फ 10 दिरहम में। ये कितने बच्चों के प्यारे प्यारे सूट हैं, सिर्फ 10 दिरहम में, 11 दिरहम में। ये कारपेट देखें कितने प्यारे खूबसूरत, और हैंड बैग देखें कितने प्यारे प्यारे हैं, छोटे छोटे से, कितने खूबसूरत कलर में। और ये हैंड बैग थोड़ा ब्रांडेड है, 48 दिरहम का, और भी क्या है, 48 दिरहम के हैं। बच्चों के स्कूल बैग देखें कितने कलरफुल हैं, और स्कूल बैग भी 29 दिरहम का, 29 काफ़ी अच्छे बैग हैं। और ये वाले सॉफ्ट बैग हैं, स्कूल बैग छोटे छोटे बच्चों के, ये भी काफ़ी प्यारे बैग हैं, ये भी 29 दिरहम के। और यहाँ पर बड़े बच्चों के स्कूल बैग हैं, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे बैग हैं, 25 दिरहम के, काफ़ी ज़बरदस्त बैग हैं स्कूल बैग। कारपेट काफ़ी प्यारे हैं, ये देखें बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त, अच्छी क्वालिटी के, इतना अच्छे अच्छे कारपेट हैं, ये देखें 62 दिरहम का, बहुत ही ज़बरदस्त कारपेट है। छोटे बेबी की फीडर देखें, 12 दिरहम, 10 दिरहम, 10 दिरहम, और काफ़ी अच्छे अच्छे फीडर हैं। बॉर्न बेबी के कपड़े देखें कितने प्यारे और ख़ूबसूरत हैं, 29 दिरहम, 29 दिरहम, बहुत ही अच्छे हैं। तरफ जो सेक्शन है ये बॉर्न बेबी का है, छोटे बेबी के कपड़े देखें कितने प्यारे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं। छोटे बेबी के कपड़ों की प्राइस देखें, 11 दिरहम, सब 11 दिरहम के हैं। और यहाँ पर बेबी के बिस्तर हैं, ये देखें इसकी प्राइस 35 दिरहम, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ज़बरदस्त है। अभी सॉफ्ट वाले ड्रेसेस हैं बेबी के, 20 दिरहम, 20 दिरहम।
यहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चों के काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं। ये देखें 20 दरम के बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े हैं, और गर्ल्स के कपड़े देखें छोटे बच्चों के 39 दरम, और ये अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं, बहुत ज़बरदस्त। लेडीज़ जैकेट्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छी है, और इनकी प्राइस भी मुनासिब है, 29 दरम, और काफ़ी अच्छे कलर हैं, प्यारे कलर, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें सबके यही प्राइस है 29 दरम, ये देखें 29। और यहाँ पर तो बिल्कुल सॉफ्ट जैकेट हैं छोटे छोटे बेबी की, जैसे आयत हो गए, कितना प्यारे कलर हैं बच्चों की जैकेट के, और ये भी 20 दरम की है, बहुत ज़बरदस्त, और हैं भी अच्छी क्वालिटी की। ये देखें ये जर्सी टाइप की जो जैकेट है ना, ये बहुत अच्छी है, ये भी 21 दरम की, बहुत ज़बरदस्त है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त क्वालिटी है। और ये देखें 15 दरम जो बच्चों की स्कर्ट्स, देखें 11 दरम, बहुत प्यारी है। जीन्स में भी काफ़ी सस्ती हैं, ये देखें 11 दरम, बहुत अच्छा कपड़ा है। ये देख, और जैसे मुस्तफ़ा की एज है ना, ये उस एज के ट्राउज़र यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये भी काफ़ी सस्ते हैं, इतना ज़्यादा महंगे नहीं है, 20 दरम का है। और सामने साइकिल मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा पसंद है, 2 to 10 years गारमेंट्स जो है ये सेक्शन उन्हीं का है। और यहाँ पर शर्ट्स कितने प्यारे प्यारे हैं, और इनकी भी प्राइस मुख्तलिफ है, 20 दरम, 20 दरम, 20। छोटे बच्चों के स्पाइडरमैन ड्रेसेस 25 दरम, 25। और यहाँ पर अच्छे ड्रेसेस हैं, और ये वाले अपर देखें कितना प्यारे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, और इनकी प्राइस क्या है, 29 दरम। अपर बड़ों की अंडर वेस्ट आ गई है, और ये देखें मेड इन इंडिया की है, 3 पीस 25 दरम के। और यहाँ पर बड़ों के शर्ट्स हैं, उनके कलर भी काफ़ी प्यारे प्यारे हैं, तो इनकी भी प्राइस चेक करते हैं। एक शर्ट्स की प्राइस है, क्या है भाई, क्या है, कहाँ गई, 20 दरम। और यहाँ पर ट्रैवलिंग बैग भी काफ़ी अच्छे हुए हैं, और इनकी भी प्राइस चेक करते हैं कि क्या प्राइस है। देखें कितने ट्रैवलिंग बैग हैं, कितना बड़ा ट्रैवलिंग बैग है, उसकी प्राइस देखें 89 दरम, काफ़ी अच्छा बैग है। और यहाँ पर ट्रैवलिंग बैग के कलर भी काफ़ी प्यारे प्यारे हैं, मुझे ना ये अरबी ड्रेसेस भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये देखें इनकी जो तोप है, इसको तोप कहते हैं, तो ये भी 20 दरम की है, और काफ़ी अच्छी है, इनके कलर भी काफ़ी प्यारे हैं, और कैप भी काफ़ी कलर में है, ये देखें, और कैप भी सिर्फ 10 दरम की है, टोटल कैप जो है एक कैप 10 दरम की है। सेक्शन लेडीज शूज़ का है, और लेडीज शूज़ भी 15 दरम, 15 दरम, और काफ़ी अच्छे कलर हैं। तो ये देखें स्पोर्ट्स शूज़, और ये भी सिर्फ 15 दरम के हैं। ये शूज़ का कलर कितना प्यारा है, ये देखें, ये भी सिर्फ 11 दरम का है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। लेडीज शूज़ भी काफ़ी सस्ते हैं, ये देखो 20 दरम, 10 दरम, लेडीज शूज़ 29 दरम, 29 दरम, और काफ़ी अच्छे शूज़ हैं। इतना बड़े बड़े शूज़ कौन पहनता होगा, ये देखें कितना बड़े बड़े शूज़ हैं, वाह। और ये देखें ये अच्छे कलर हैं, जेंट्स के हैं, और 20 दरम, और बहुत ही अच्छे शूज़ हैं। ये लेडीज शूज़ ये भी काफ़ी अच्छे हैं, और ये भी 20 दरम। ये वाले शूज़ का कलर देखें कितना अच्छा है, और ये जेंट्स सेक्शन है, और यहाँ पर जेंट्स शूज़ हैं, देखें कितना बड़े बड़े शूज़ हैं, सिर्फ 11 दरम में, ये देखें। और यहाँ पर अपर कितने प्यारे प्यारे हैं, ये देखें सिर्फ 45 दरम, और कलर भी अच्छे हैं, और इसके साथ हैंड फ्री भी लगा हुआ है, ये देखें सारे अपर ना हैंड फ्री वाले हैं, इनके साथ हैंड फ्री लगे हुए हैं। और ये फुटबॉल शूज़, इनका कलर कितना प्यारा है, और ये 35 दरम के हैं। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, और ये देखें कितना बड़ी मार्केट है, डे टू डे ऑयल कुकिंग ऑयल वगैरह ये वो, और यहाँ पर सब्ज़ी फ्रूट सब चीज़ें यहाँ पर। ये तो आज मैंने दोबारा से आपको डे टू डे मार्केट का विज़िट कराया है, और काफ़ी सारी चीज़ें रह गई थी जिनका प्राइस का किसी को भी पता नहीं था, तो आज मैंने टोटली प्राइस जो है वो आपको दिखा दिए हैं। और अभी भी काफ़ी सेक्शन जो है वो रह गए हैं, क्योंकि मेरा व्लॉग जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं बस यहीं पर ही एंड करूँगा। ये तो आज का व्लॉग से आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगा कल। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।